नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। क्या आप भी चाहते हैं कि रातों रात बदल जाए आपकी किस्मत? हाँ, जो कमियां पीछा ही नहीं छोड़ रही है आपका, संघर्ष करते करते एक अरसा बीत गया और अब ऐसा लग रहा है कि बाकी की जिंदगी भी केवल कठोर परिश्रम ही करना पड़ेगा, फल के नाम पर शून्य ही प्राप्त हुआ अब तक। कितना भी कार्य कर ले आप, एक सीमित धन की प्राप्ति होती है। बेसुमार धन कभी देखा ही नहीं आपने। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होते ही नहीं है। घर में बहुत लोग पड़े हुए हैं, किसी की नौकरी होनी बाकी है, किसी का विवाह तय होना बाकी है, परंतु आपके घर में कोई मांगलिक बेला आती ही नहीं है। अर्थात मिला जुला कर भाग्य पर लगा हुआ है एक बड़ा सा ताला और अब आपको चाहिए उसे खोलने की एक चाबी। जी हाँ मित्रों, आज बताने जा रही हूँ एक पीतल का दिया, मिट्टी का नहीं, ध्यान दें, केवल एक पीतल का दिया। यदि मैं जहाँ बता रही हूँ उस स्थान पर आप एक जलाकर आ जाइए। ये दिया आपने उस अंधकार को मिटाने के लिए जलाया है जो आपके भाग्य पर छाया हुआ है। अपनी किस्मत का ताला स्वयं खोल सकते हैं आप। हो सकते हैं धन से मालामाल, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जिनका विवाह तय नहीं हो रहा, अब होगा उनका विवाह। जो नौकरी के लिए रुके हुए हैं, अब उन्हें भी आय प्राप्त होगी। यदि दुकान नहीं चल रही है आपकी, धन के आने में प्रॉब्लम है, तो देखिए कैसे धन की समस्या मिनटों में दूर हो जाती है। एक सरल सा उपाय और भाग्य बदल जाएगा आपका। ध्यान से सुनिए, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है यह उपाय। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं बात कर रही हूँ गुलमोहर का पेड़। गुलमोहर का पेड़ एक आकर्षक पेड़, देखने में भी सुंदर और उसके पुष्प तो इतने ही सुंदर कि क्या कहूँ। साक्षात विष्णु देव और माता लक्ष्मी का निवास होता है इस गुलमोहर के पेड़ पर। जब भी राह पे चलते वक्त आपको गुलमोहर का पेड़ नजर आ जाए, आप कुछ ना कर सके, आप दफ्तर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, एक बार नमन कर लीजिए, एक बार प्रणाम जरूर कीजिए, इसे इग्नोर करके आगे मत बढ़िएगा। ये साक्षात विष्णुदेव और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। गुलमोहर के वृक्ष का दृश्य यदि आपको आपके घर से नजर आता है, अपने घर की बालकनी में आप निकलते हैं और गुलमोहर का पेड़ नजर आता है, तो समझिए आपका भाग्य वैसे भी खुल जाएगा। सुबह सुबह यदि आप सोकर जागते हैं और गुलमोहर का वृक्ष आपको नजर आता है, तो आप अपने घर से भी प्रणाम करके अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ गुलमोहर के पेड़ के पास आप एक दिया जलाकर कैसे माला माल हो सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, आपको गुरुवार के दिन प्रातः सोकर जल्दी उठिए, स्वच्छता से स्नान कीजिए और पीला वस्त्र धारण कीजिए। आप अपने घर से एक लोटा जल और एक पीतल के दिए में घी और बाती जलाकर गुलमोहर के वृक्ष के पास जाएंगे। गुलमोहर के वृक्ष के पास यदि सुनसान हो और कोई इंसान का आना जाना कम हो या ना हो तो सर्वोत्तम, और यदि वो सड़क के किनारे है, बहुत लोग जाते हैं, तो आप प्रातः काल जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठिए और जाइए, परंतु लोग ना हो, या हो भी तो बहुत कम, कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं। आपको गुलमोहर की जड़ में जल देना है और एक पीतल का दिया उत्तर की ओर जलाकर रख देनी है। उसी प्रकाश में आप नमन करें गुलमोहर के वृक्ष में, माथा टेक कर प्रणाम करें और अपनी इच्छा उस पेड़ से ऐसे कहें जैसे आप किसी मनुष्य के साथ डिस्कशन करते हैं। अपनी समस्याएं बताइए, अपनी इच्छा बोलिए, गुलमोहर के वृक्ष को छू कर नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसकी इच्छाओं में ही खड़े रहिए। यदि आपको दिया वापस लेकर जाना है, तब तो आपको तब तक वहाँ बैठना होगा जब तक दिया स्वयं से जलकर संपूर्ण बुझ ना जाए, उसके बाद आप इस दिए को लेकर घर जा सकते हैं, और नहीं तो आपको दिया को वहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। केवल एक गुरुवार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के केवल एक गुरुवार को किया गया यह दिव्य प्रयोग आपके भाग्य को खोल देगा, धन का आगमन प्रारंभ हो जाएगा, बंद पड़ी ताला पड़ी दुकान भी चलने लगेगी, घर में विवाह, बच्चों का जन्म, नौकरी जैसी मांगलिक कार्य होंगे,
आप हैरान रह जाएंगे कैसे किस्मत खुल जाएगी रातों रात, आपने सोचा भी नहीं होगा वह होगा आपके साथ। तो अवश्य करें यह दिव्य चमत्कारिक प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।